ओल्ड मुमरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब अवधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाएं थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मदरसे में ठीक से पढ़ाई नहीं करने पर एक नाबालिग छात्र को 20 से भी ज्यादा बार छड़ी से मारकर पिटाई करने का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई से सटे भिवंडी में ये एक दिल दहला देने वाली वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। एक मदरसे में पढ़ने वाले 14 वर्षीय नाबालिग छात्र को मदरसे के मौलवी शिक्षक ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि वो अपना होमवर्क ठीक से नहीं कर रहा था। घटना के बाद से मौलवी शिक्षक फहद नूरी 32 साल जिसकी उम्र है, ये मौके से फरार हो गया था। पिटाई से घायल हुए छात्र को अस्पताल में भर्ती करने के 2 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बहरहाल फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जमानत पर छोड़ दिया है। मौलवी छात्र की छड़ी से बेरहमी से पिटाई करते हुए सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है और बेरहमी से पिटाई कर रहे मौलवी को बगल के मौलाना जो है वो लोगों ने भी इस मौलवी को रोकने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से पिटाई करने वाले मौलाना और 2 और मौलाना शिक्षकों को जिन्हें चुन रोकने की कोशिश नहीं की, इन्हें भी मदरसे से निकाल दिया गया है और पिटाई करने वाले मौलाना पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। मदरसा ट्रस्टी नूरी अली हसन अली सैयद ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। सही बात है कि छोटे बच्चे के साथ जो इसी मदरसे का तालिब इल्म है या पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसके साथ उन्होंने ज्यादती किया। अच्छा, जिसे हम लोगों को खबर लगी, हमने बच्चे के सरपरस्त को इनके गार्जियन को भी बुलवाया, उसके बाद अपने स्टाफ को भी हमने जमा किया जिन्होंने ऐसी ज्यादती की थी, उनसे हमने सवाल जवाब किया। हम लोग भी गुस्से में थे, हमने मजम्मत किया, यहाँ तक कि उस मौके पर 2 स्टाफ में से 2 और मौजूद थे। हमने उनसे कहा कि ऐसा जुल्म हो रहा था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं, इसका मतलब कि आप भी उस जुल्म में बराबर के शरीक हो। तो हमने फौरन कार्रवाई करते हुए 3ों को हमने अपने स्कूल से निकाल लिया। और बच्चे के जो सरपरस्त हैं समझे, उनसे मैंने पूछा कि ये मैंने मैनेजमेंट के वालों की कार्रवाई है, हमने निकाल दिया है, अगर आप चाहते हो तो हम आपके साथ दूसरी कानूनी कार्रवाई करने के तैयार हैं, चलिए हम FIR कर दें। तो उन्होंने कहा मुझे आपकी कार्रवाई से इत्मीनान है और हमने अपने बच्चे से मुलाकात करके उसे भी देखा है, उसके दिल में किसी तरह कोई खौफ नहीं। मैंने बच्चे के वालिद से, बाप से कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे को ले भी जा सकते हो, या ज़्यादा नहीं तो 1 हफ्ते के लिए लेके चले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा, मेरा बच्चा ये रहेगा और हम भी आपके इंतज़ाम से सारी चीज़ों में बिल्कुल मुतमईन हैं और हमारा बच्चा भी मुतमईन है। ये एक समझ लीजिए कि एक ना होने वाली चीज़ तो हो गई समझे, और हमें इस सिलसिले में कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ये तो 3 महीने पहले की बात थी जो हमने उसके वालिद से सारी बातें लिखवा कर ले लिया था। अब 3 महीने के बाद अचानक न मालूम किसके, हमारे यहाँ सीसी फुटेज से जो है किसी ने फोटो लिया और उसके अलावा क्या कहते हैं, उसने 3 महीने के बाद वायरल करना शुरू किया। जब बात ज्यादा फैली तो हमने कहा अब कुछ ना कुछ जो है इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी सेफ्टी या इसके अलावा कानून से मदद लेने के लिए जो है हम लोगों ने जाकर FIR किया पुलिस स्टेशन में, जो पूरी तरह से FIR दर्ज हो चुकी है। अब बकिया इसके बाद अहलकारों की जिम्मेदारी, कार्रवाई करते हैं।